हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो ऑफ मारुति इग्निस। दिस इज़ BS6 मारुति इग्निस, और इसमें जो किट लगाया हमने मीज़ो प्रीमियम BS6, द क्वालिटी एंड द फिटिंग इज़ अल्टीमेट सुपर। मज़ा आएगा भाई को। इसके अंदर जो ECM है 48 पिन का मेटालिक ECM आता है। ये नीचे वाला ECM जो है गाड़ी का है और ऊपर वाला ECM हमारा है। इसमें जो किट है डबल स्टेज का है, मीज़ो प्रीमियम BS6। दिस इज़ डबल स्टेज, और इसमें आपका इंजेक्टर है पीछे जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। अब इसके अंदर जो काम किया हूँ मेन मैं बताता हूँ। ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिलिंग होती है, यहाँ तक किट आता है। अब किट के अलावा जो काम किया हूँ, एक तो आपका कपलर टू कपलर, सॉकेट टू सॉकेट सारा फिटिंग किया हूँ। इसमें आपके इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं है, सब सॉकेट टू सॉकेट है। दूसरा जो मैंने काम किया है, इसके अंदर कूलेंट कनेक्शन किया है मैंने। ये आपके रिड्यूसर में आ रहा है कूलेंट पाइप। ये टेम्परेचर सेंसर, ये देखो अपने जगह पे लगा हुआ है, यहाँ पे अपने जगह पे। और ये सारा कूलेंट कनेक्शन इसके अंदर मैंने दे रखा है। यहाँ से पाइप आ रही है, आपके रिड्यूसर में जा रहा है, ठीक है। तीसरा जो काम किया मैंने, गैस का फिल्टर लगाया। अब इससे क्या है कि सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाएगी, इंजन की लाइफ बढ़ेगा। चौथा जो काम किया है, इसके अंदर जो है स्टैटिक एडवांसर लगाया। यू कुड हैव गॉन फॉर डायनेमिक ऑल्सो, लेकिन स्टैटिक बढ़िया काम करेगा। नो नीड ऑफ डायनेमिक एडवांसर इन मारुति। ये इमरजेंसी प्लग है आपके स्टैटिक एडवांसर का। और पांचवा जो काम किया हूँ, आपकी ECM से आपकी सारी वायरिंग एक स्पायरल ट्यूबिंग किया हूँ। ये कभी भी आराम से 15 साल चलेगा, वायरिंग कहीं नहीं बिखरेगा। नॉर्मल टेपिंग करेंगे, वायर जो है 2-4-6 महीने में उसके गम निकल जाएगा, टेपिंग का वायर बिखर जाएगा, लेकिन ये पूरे लाइफ कहीं नहीं जाएगा। दिस इज़ द क्वालिटी विच वी आर गिविंग इन इग्निस अगेन एंड अगेन। हमें पता है द क्वालिटी इज़ द सेम। ऐसा है जो एक बार हमारी जो है ना फंडामेंटल है, हमारी जो एक बार चीज़ बन गया है कि ऐसे ही लगाना है, तो वो वैसे ही लगेगा। आप जितने भी इग्निस देख लो, आप 100 देखोगे सेम टू सेम आप फिटिंग पाओगे। दिस इज़ द क्वालिटी। एक बार और दिखाता हूँ मैं। ये आपका ECM है, ये आपका रिड्यूसर है, सारा फिटिंग जो है स्पाइरल ट्यूबिंग में। और ये आपका फिलिंग वाल्व है जहाँ से गैस फिल हो रहा है। ये आपका जो है इंजेक्टर है, और ये सारा कपलर टू कपलर, सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग है। और ये आपका गैस का फिल्टर है, और ये कूलेंट कनेक्शन कर रखा है। दिस इज़ द क्वालिटी, सुपर। इस पे जो सिलेंडर लगा रहे हैं, दैट इज़ 12 kg का, अभी लग ही रहा है, मैं दिखा देता हूँ मैं हल्का सा। 12 kg का सेटिंग हो रही है विथ रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप। दिस इज़ द क्वालिटी। अब एक बार फिटिंग हो जाए फिर इसकी भी ट्रायल लेते हैं।